आज बंगली बरपाल के जेलदार सुमेर सिंह ने जो झूठी अफवाह फैलाई है कि केहर सिंह ने मनोज को समर्थन दे दिया है, मैं चोरों को बदमाशों को समर्थन नहीं दूंगा। मैं क्षेत्र की भलाई के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सत्य के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, धर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हथीन विधानसभा क्षेत्र में रविवार को रावतपाल की हुई पंचायत के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। पंचायत में जहां ये दावा किया गया था कि हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय नामांकन भरने वाले केहर सिंह रावत ने अपना समर्थन रावतपाल के कहने पर बीजेपी कैंडिडेट को दे दिया है, लेकिन देर शाम को अपने जारी एक वीडियो संदेश में केहर सिंह रावत ने कहा कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। केहर सिंह रावत ने जारी वीडियो संदेश में कहा है कि वे अस्वस्थता के चलते फरीदाबाद के एशियन अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। केहर सिंह रावत ने ये भी कहा कि उनके नाम पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है, लेकिन वे चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। देखिए केहर सिंह रावत ने जारी वीडियो संदेश में क्या कहा। मैं केहर सिंह रावत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में हथीन से इलेक्शन लड़ रहा हूं और हथीन की जनता और रावत पाल का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज बंगली बरपाल के जेलदार सुमेर सिंह ने जो झूठी अफवाह फैलाई है कि केहर सिंह ने मनोज को समर्थन दे दिया है, मैं चोरों को बदमाशों को समर्थन नहीं दूंगा। मैं क्षेत्र की भलाई के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सत्य के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, धर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं अपने सभी सहयोगी भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ, परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए मैं इस युद्ध में पूरी तरह से इस इलेक्शन को लड़ूंगा। किसी भी प्रकार के बहकाए में ना आए इसके साक्षी रामप्रसाद सरपंच साहब, तारा सरपंच मानपुर, चरण सरपंच अंधो अभी मेरे पास आए थे। जो बात उनसे मैंने कही उसे मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं किया है। मैं इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि रावतपाल का बच्चा और हथीन क्षेत्र की 36 बरादरी मेरे साथ है। आप किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। मैं आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जय दादा काना की, जय हथीन क्षेत्र की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।